राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि सिद्धार्थ जब सत्य की खोज के लिए वन में गए तो महाराज शुद्धोदन ने उन्हें वापस लाने के लिए वन में कुछ विद्वानों को भेजा, किंतु सिद्धार्थ ने उन्हें समझा बुझाकर वापस कपिलवस्तु में भेज दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है बिंबसार से भेंट। राज पुरोहित और राजमंत्री को छोड़कर राजकुमार आगे चलते गए। कुछ समय बाद उन्होंने उत्ताल तरंगों वाली गंगा को पार किया और धन धान्य से संपन्न राजगृह नामक नगर में प्रवेश किया। चारों ओर से पर्वतों से सुरक्षित और पवित्र तप्त कुंडों से युक्त इस नगर में उन्होंने वैसे ही प्रवेश किया जैसे कि स्वर्ग में स्वयंभू ब्रह्मा ने प्रवेश किया था। शिव के समान दृढ़व्रती राजकुमार के गांभीर्य तथा तेज के कारण नगर के लोग उन्हें विस्मय से निहारते रहे। उनका ऐसा प्रभाव था कि जो लोग जा रहे थे वे रुक गए, जो रुके हुए थे वे उनके पीछे पीछे चलने लगे, जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वे धीरे धीरे चलने लगे और जो बैठे थे वे खड़े हो गए। किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी पूजा की, किसी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधुर शब्दों में उनका अभिनंदन किया। उनको देखकर जो लोग सुसज्जित थे, विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, वे लज्जित हो गए और जो वाचाल थे वे मौन हो गए। उनकी भ्रिकुटी, ललाट, मुख, नेत्र, शरीर, हाथ, पैर, चलने की गति, जो भी जिसने देखी वो वही देखता रह गया। उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ति के सामने सभी ठगे से रह गए। मगध के राजा बिंबसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाली भीड़ को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। राजकर्मचारियों ने राजा को बताया कि ये शाक्य राजपुत्र परिव्राजक सिद्धार्थ है। इसके विषय में ब्राह्मणों ने ये भविष्यवाणी की थी कि ये या तो परम ज्ञान को प्राप्त करेगा या चक्रवर्ती सम्राट होगा। ये सुनकर राजा ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ वो कहाँ जा रहा है। राजा की आज्ञा के अनुसार राजकर्मचारी राजमहल से बाहर आए और परिव्राजक वेशधारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि परिव्राजक की दृष्टि स्थिर है, वाणी मौन है, गति नियंत्रित है और वे भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा में जो कुछ मिलता है वो उसे ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक पर्वत पर गए। एकांत निर्झर के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर वे पांडव पर्वत पर जाकर बैठ गए। काशाई वेशधारी सिद्धार्थ पर्वत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे कि उदयाचल पर बाल सूर्य प्रकट हो गया हो। राज कर्मचारियों ने ये सब देखकर राजा बिंबसार को सूचित किया। बिंबसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वयं बोधिसत्व सिद्धार्थ से मिलने के लिए चल पड़े। वहां पहुंचने पर राजा बिंबसार ने देखा कि बोधिसत्व पर्यंक आसन में शांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि बादलों की ओट से चंद्रमा चमक रहा हो। राजा धीरे धीरे उनके निकट गए और कुशल क्षेम पूछी। कुमार ने भी यथोचित उत्तर दिया। फिर राजा आज्ञा प्राप्त कर एक शिलाखंड पर बैठ गए और उनसे वार्तालाप करने लगे। राजा बिंबसार ने उनसे कहा, हे कुमार, आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। हे मित्र, मेरी बात सुनिए। आपका सूर्यवंश महान है और आपकी अवस्था अभी नई है। फिर क्यों आपकी बुद्धि स्वाभाविक क्रम तोड़कर राज्य में न रमकर भिक्षा वृत्ति में रमी है? आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है, काशाय वस्त्र धारण करने लायक नहीं है। अभी आपके हाथ प्रजा पालन के योग्य हैं, भिक्षा मांगने योग्य नहीं है। हे सौम्य, यदि आप स्नेहवश अपने पिता का राज्य पराक्रम से प्राप्त करना नहीं चाहते, पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए। आप मेरे साथ मैत्री कीजिए। यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है, तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर अपनी बुद्धि स्थिर कीजिए और धर्म, अर्थ और काम का सेवन कीजिए। यदि संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति की इच्छा है, तो त्रिवर्ग, धर्म, अर्थ, काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए। हे कुमार, आप धनुष चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ न कीजिए। ये मानधाता के समान तीनों लोकों को जीतने में सक्षम है, फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या। निश्चय ही ये सब कुछ मैं स्नेहवशी आपसे कह रहा हूं, ना ऐश्वर्य के राग से और ना अभिमान से। आपको भिक्षु वेश में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है। जब तक बुढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता, तब तक विषयों को भोगिए। हे धर्मप्रिय, समयानुसार ही धर्माचरण करना चाहिए। इस प्रकार मगध के अधिपति ने विविध प्रकार से कुमार को समझाया, परंतु वो कैलाश पर्वत के समान अटल रहा और जरा भी विचलित नहीं हुआ।
संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी और अशोक शर्मा, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।